कुछ अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वहाँ पर। साल का सबसे बड़ा केस लगा कोर्ट में और आप एक नई नौकरी के चक्कर में। वन साइडेड क्रूसेड, रिसर्च नहीं होती। तुम्हें या मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि सच क्या है। क्या है सच? ये ढूंढना तुम्हारा काम है शहबाज। उसमें कोई शक ही नहीं कि इरफान मसीह का कत्ल साजिश थी। किसकी सुनूं, कौन सच की आवाज बुलंद करने की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम बैक हो गया एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं परिजात चैप्टर 2 के बारे में। जैसे कि आपको पता है, ड्रामा इंडस्ट्री का ब्लॉकबस्टर ड्रामा परिजात, जो कि 2021 में हम टीवी पे नशर किया गया था, जिसमें हमारे भैया अहमद अली अकबर ने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया, जो कि पिछले 15 सालों में वो फेम वो शोहरत हासिल नहीं कर पाए जो कि परिजात ड्रामा करने के बाद उनको हासिल हुई। और अब सवाल ये आता है कि परिजात चैप्टर 2 देखने को कब मिलेगा। तो गाइस मैं कहूँगा बहुत ही जल्द, क्योंकि परिजात के राइटर हाशिम नदीम ने परिजात चैप्टर 2 को लेके एक प्यारा सा पोस्ट किया था, जिसको देख के साफ पता चल रहा है कि बहुत ही जल्द हमें परिजात चैप्टर 2 देखने को मिलेगा। और इसके साथ हमारे भैया अहमद अली अकबर ने भी एक इंटरव्यू में साफ कहा है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, जो कि मैं दोबारा अगेन परिजात चैप्टर 2 में परिजात का किरदार अदा करूंगा। लेकिन मुझे एक बात का डर भी है कि मैंने परिजात चैप्टर 1 में जो शोहरत, जो फेम, जो एक्टिंग, जो किरदार मैंने अदा किया, शायद वो मैं चैप्टर 2 में ना कर पाऊँ। तो बहुत से लोगों का ये सवाल है कि परिजात चैप्टर 2 हमें कब देखने को मिलेगा। तो गाइज मेरे हिसाब से परिजात चैप्टर 2 हमें 2025 के एंड में देखने को मिलेगा। बाकी आप अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।